हेलो बच्चों आज हम वृत्तीय गति के निम्कल को लेके आए हुए हैं यदि आप एन सी सल्यूशन को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है या तो इसी वीडियो जैसे पहला मामला है कोड़ी विस्थापन किसका बच्चों कोड़ी विस्थापन का इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ठीक बच्चों इसका फार्मूला जो होता है वो थीटा बराबर होता है एस बटे आर या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर ठीक बच्चों, ये होता क्या फार्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा फार्मूला नंबर एक है चलिए अब आगे फार्मूला नंबर दो देख रहे हैं हम फार्मूला नंबर दो जो आपका कोड़ी वेग का है कोड़ी ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा से डिनोट करते हैं इसके भी कई फार्मूले हैं जैसे ओमेगा बराबर होता है एक टू पाई एन दूसरा फॉमूला होता है ओमेगा बराबर टू पाई टी ठीक बच्चों ये होता है फार्मूला यहाँ पर इसके नाम होंगे नाम क्या है हम आपको बता दें ये आवृत्ति होता है एन क्या होता है बेटा समझिएगा थीटा जो कोड़ी होता है भी विस्थापन एस दूरी आर तेजा होता है टी आवतकाल होता है जैसे मान लीजिए टी क्या है आवतकाल ठीक है उमेगा क्या है वेग। ठीक बच्चों, उसके बाद एन क्या है आवृत्ति आवृत्ति बोलते हैं यहाँ पर ठीक है ये फार्मूला होता है यहाँ पर और एक फार्मूला हम आपको इसका और बता दें ओमेगा का एक फार्मूला होता है डी थीटा बटे डी टी एक फार्मूला ए भी होता है चलिए बच्चों इसके बाद कुछ हम और फार्मूले नंबर तीन की तरफ देखते हैं तीसरा नंबर जो फार्मूला है वो है रेखीय वेग का आपको पता होगा रेखीय वेग का फार्मूला क्या होता है ये होगा वी बराबर इसका फार्मूला जो है वी बराबर आर ओमेगा चलता है इसमें ऐसे देखिए विस्थापन का भी होता बच्चों एस बराबर आर थीटा यही वाला फार्मूला है ना ऐसे ही एक फार्मूला आपका और चलेगा पांचवा नंबर रेखीय तोड़ यहाँ ए बराबर आर अल्फा ये कुछ कुछ फॉमले आपके स्क्रीन पर हैं जहाँ भी क्या रेखीय वेग और आर हिजिया कोड़ी वेग कोड़ी विस्थापन कोड़ी तोड़ और रेखीय तोड़ ये सब नाम है यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए आइए हम लिख दे रहे हैं आर क्या बेटा कोड़ी वेग लिख दिया है ठीक है आर यहाँ पर क्या बेटा कोड़ी वेग, थीटा क्या बेटा कोड़ी विस्थापन और अल्फा क्या बेटा कोड़ी तोड़ ठीक है तो ये आपके कुछ वैल्यू है और हम आपको बता दें और अभी केंद्र बल का भी फार्मूला एक है सिक्स नंबर केंद्र बल बच्चों जिसे हम लोग एफ से लिखते हैं एफ बराबर एम ए होता है या एफ बराबर होगा एम वी स्क्वायर बटे आर ठीक है अभी का मान हम ये भी रख सकते हैं और मेगा का मान हम ए भी रख सकते हैं ये देखिए है। तो इस इतनी ही फॉर्मूले से हम सारे सवाल को हल करेंगे चलिए बच्चों पहला नंबर सवाल क्या करा? कर रहा एक व्रत पर गति करते कण का वेग दिया है बच्चों यहाँ पर आपको वेग दिया है वी की वैल्यू आपको गिवेन है कितना पाँच मीटर पर सेकेंड ठीक है और इसमें कह रहा, रहा है अभिकेंद्र त्वरण अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है बेटा ए ए यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण होता है जो दिया है दस मीटर पर सेकेंड बच्चों ये विलोसटी होती है क्या होती है बिलासटी जिसे हम लोग वेग बोलते हैं और ये वाक्य त्वरण होता है ठीक है बच्चों जिसे एक्सेलेसन बोलते हैं ठीक है और हम आपको बता दें और यहाँ पर क्या दिया है रहा तिजा की गणना करनी है बच्चों यहाँ पर हमें आर की गणना करनी है आर क्या यहाँ पर रेडियस होता है रेडियस जिसे हम लोग तिज्जा कहते हैं प्यार से ये कुछ सवाल है आपको वैल्यू दिया है चलिए हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप बताइए फार्मूला क्या होता है तिजा का तो देखिए बेटा जब इस प्रकार का सवाल आ जाए वेग बेगरी है तो आप फार्मूला लगाएंगे अभिकेंद्र तोड़ का किसका बेटा अभी केंद्र तोड़ का यदि इसमें नहीं लिखा हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा अभिकेंद्र का फार्मूला था ए बराबर बी स्क्वायर बटे आर ये याद कर लीजिएगा अभिकेंद्र तोड़ का फार्मूला ठीक बच्चों आइए सारे सवालों को वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं ए क्या है अभी केन्द्र तो वे वी लास्ट या हो आर तेजा आइए ए बराबर वी की वैल्यू क्या है बच्चों वी की वैल्यू दिया है पाँच तो पाँच का स्क्वायर करेंगे बटे आर आर का मान कितना दिया है निकालना है ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा देखिए ए की वैल्यू दस है ए की वैल्यू दस है आर की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों अब यहाँ ध्यान देना इस आर को इधर भेजेंगे तो दस इंटू आर हो जाएगा बराबर में पाँच का स्क्वायर नहीं समझ में आता तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस होता है याद कर लीजिएगा अब दस को नीचे लगाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा पच्चीस बटे दस अब दस का इसमें भाग देंगे तो एक संख्या एक जीरो है बेटा जब एक जीरो हुआ करे एक संख्या बाद पॉइंट लगा लेंगे तो ज़ीरो दसमलव फ़ाइव मीटर आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर बच्चों नोट कर लो चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है जीरो पॉइंट टू किलोग्राम द्रव्यमान बेटा एम एम की वैल्यू कितने की मैंने आपको दूसरे नंबर सवाल में देखिए एम की वैल्यू आपको दिया है जीरो दसमलव टू किलोग्राम और यहाँ पर देखिए पिंड दो मीटर प्रदर्शन के व्यास बेटा डाई मीटर जो डाई मीटर आपको दिया है वो दो मीटर दिया है अब इसकी तिज्जा आधी हो जाएगी बेटा इसका आधा कर देंगे तो तिजा क्या हो जाएगी वन मीटर हो जाएगी रेडियस ठीक है ये एम की वैल्यू है वो कह रहा पंद्रह पॉइंट सेवन सेकेंड में पाँच चक्कर लगाता है बेटा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर एन की वैल्यू दिया और टी का मान आपको दिया है तो एक काम करिएगा टी की वैल्यू आपको कितना दिया है पंद्रह दसमलव सेवन सेकेंड और एन की वैल्यू दिया फाइव एन की वैल्यू दी है फाइव चक्कर लगाता है राउंड लगाता है कि दर से घूम रहा तो अभी केंद्र बल की गणना कीजिए बेटा यहाँ पर आपको एफ फाइंड करना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अभिकेंद्र बल ये हमें फाइंड करना है तो बच्चों आपको हम बता दें तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं जो एन निकालते वो चक्कर प्रति सेकंड इसकी एन की यूनिट होनी चाहिए चक्कर पर सेकेंड तो फाइव अच्छा बताइए जब इतने समय में इतना चक्कर लगाता है तो अगर हम इसे डिवाइड दे दें किससे पंद्रह दशमलव पॉइंट सेवन से तो हो जाएगा चक्कर प्रति सेकेंड बच्चों चक्कर प्रति सेकेंड हो जाएगा और हमें चक्कर प्रति सेकेंड तो चाहिए तो ये मेरा आ जाएगा चक्कर प्रति सेकंड ये रियल वैल्यू जो हम लोग एन की वैल्यू यूज करेंगे वो होना चाहिए चक्कर प्रति सेकंड एक सेकंड में चक्करों की संख्या एन कहलाती है बेटा याद रखिएगा अब हमें एफ़ निकालना है तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है हम आपको बता दें अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है एफ बराबर एम बी बटे आर ये होता है फार्मूला आइए मान को पुट करते हैं बच्चों एम का मान जीरो दशमलव टू इंटू वी का मान वी का मान सर वी तो है ही नहीं तब क्या होगा जब तक वी नहीं दिया है निकालना पड़ेगा कैसे आइए बताते हैं सबसे बच्चों एक काम करिएगा यहाँ तो भी आपको दिया नहीं है या तो b अलग से निकाल लो कैसे निकालेंगे आइए हम आपको बताते हैं वी बराबर होता है आर ओमेगा ना ये फार्मूला होता है रेखी वेग और कोड़ी वेग में रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन है यहाँ से बेटा वी निकाल सकते हैं हम बताइए कैसे आर आर की वैल्यू कितनी है वन मीटर बेटा ओमेगा की तो वैल्यू पता नहीं है ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई एन टू पाई एन बताया था ना तो एन की वैल्यू कितनी है टू पाई की वैल्यू होती है बाईस बटे सात लिख सकते हैं बाईस थ्री पॉइंट वन फोर लिख दो थ्री पॉइंट वन फोर पाई की वैल्यू होती है बच्चे याद कर लो पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर या बाईस बटे सात एक ही चीज़ है बाईस में सात का भाग देंगे ये आ जाएगा ठीक है और एन एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू देखिए ये निकाला था ये मत रखिएगा चक्कर प्रति सेकेंड चाहिए ना तो फाइव बटे पंद्रह दशमलव से तो बच्चों वी का मान ये रखने जा रहे हैं देखिए पूरा विलासट्टी है ना देखो विलास्टी की वैल्यू आर की वैल्यू बुट कर दिया और को का टू पाई एन लिख सकते हैं टू पाई की वैल्यू रख दिया एन एन का मान ये वाला रख दिया ये किसकी इसकी आ गई ठीक है आइए हम मान रखते वेग का या तो इसको थोड़ा ईजी कर लो बच्चा कर लें आइए करते हैं वी बराबर इसको हम काटेंगे तो दो बार में चला जाएगा कितनी बार में दो बार में नहीं जाएगा पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे अब ये पॉइंट आएँगे नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे एक जीरो से जीरो कट जाएगा अब ये दो बार में चला जाएगा कितनी बार में दो बार में और सुनिए तो वेग मेरा कितना जाएगा दो गुड़े हैं अब इसको जब हम दो बार में काटेंगे तो ये पूरा दो बार में कट के आ जाएगा दो तो दो आ गया ठीक है काटने पर उसके बाद बचा क्या पाँच बचा और बटे में क्या बचा बटे में दस बचा ठीक है दो पंचे दस तो ये मिल के इसको काट सकते दो पंचे दस दस से दस कैंसिल तो मेरा बिलास आ गया टू मीटर पर सेकेंड ये मेरा बेटा वेग आ गया क्या आ गया वेग आ गया ठीक है अब आइए सॉल्व करते हैं वेग का मान कितना है दो दो का स्क्वायर बटे आर आर का मान वन दिया ठीक बच्चों अब आइए आगे सॉल्व करें जीरो दसमलव टू इंटू दो का स्क्वायर चार और वन का लिखने कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वन है तो चार दूनी आठ तो जीरो एट न्यूटन मेरा फाइनल आंसर है इसे आप नोट कर लीजिए और बल किधर लगेगा व्रत वैसे भी अभी केंद्र बल में जो बल की दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है क्या किसकी तरफ केंद्र की ओर केंद तो बेटा व्रत जो बल है न्यूटन का वो कहाँ केंद्र की ओर होगी केंद्र की ओर होगी नोट कर लो <laughs> तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या करा एक कण कर पच्चीस सेंटीमीटर त्रिज्या मेरा तिज्जा कितनी है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और क्या कह रहा है वृत्ति पथ पर वेग दिया है वे की वैल्यू दिया है कितना दिया है दस मीटर पर सेकेंड और आगे कह रहा है देखिए चाल की गणना कीजिए देखिए चार से चक्कर लगा रहा अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कण पच्चीस सेंटीमीटर पर सेकेंड तिज्जा के उसके बाद दस मीटर पर सेकेंड की रेखी चाल से चक्कर लगा तो इसका आवत काल क्या होगा बच्चों काल होता है टी इसका क्या नाम है काल याद रखिएगा इसे हम लोग प्यार से काल बोलते हैं आवत काल ठीक है और एक फार्मूला अब आपको एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें काल आता हो तो आप फार्मूला ये लगाइएगा संबंध V बराबर आर उमीगा आपको पता है तो V बराबर आर बेटा ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई बटे टी एक फार्मूला होता है स्टार्ट में ने बताया था टू पाई बटे टी भी लिख सकते हैं अब आइए इस फार्मूले में सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं यदि इस फार्मूले में हम पुट करें तो मेरा आंसर आ सकता है बड़े आराम से आइए देखते हैं कैसे बेटा वी ये क्या है वेग का फार्मूला किसका वेग देखिए वेग भी बोलते हैं तो सारी वैल्यू बताओ वी की वैल्यू कितनी है दस बहुत ध्यान है दस त्रिज्या कितनी है बेटा सेंटीमीटर में इसको ध्यान देना किस में ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलोगे पहले किस में बदलोगे मीटर में तो कैसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक सेंटीमीटर आइए हम आपको बता दें जो आपकी तिज्जा है वो दिया पच्चीस सेंटीमीटर तो आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा तो हो जाएगा दस की पावर माइनस टू मीटर क्यों बेटा क्योंकि बेटा एक सेंटीमीटर समझिएगा मेरी बात एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू तो दस की पावर माइनस दो मीटर होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है दस की पावर माइनस चार मीटर स्क्वायर ये सब आप वैल्यू याद कर लीजिएगा यहाँ पर वैल्यू को रखने जा रहे हैं बताइए बच्चों बी का मान दस और आर की वैल्यू सेंटीमीटर में तो मीटर बदल लिया तो पच्चीस गुड़े दस की पावर माइनस दो उसके बाद क्या है टू है बेटा उसके बाद पाई पाई की वैल्यू क्या है थ्री दशमलव वन फोर और बटे क्या है टी निकालना है हमें टी बराबर क्वेश्चन मार्क तो एक काम करो टी को इधर भी दो दस को नीचे लगाओ जब टी इधर चला जाएगा टी बराबर अब इसका पच्चीस दूनी पचास भैया इसका हमने इसमें गुड़ा कर दिया क्या कर दिया गुड़ा गुड़ा करने वाला पच्चीस धूनी पचास अब इसको लिख दिया इंटू में थ्री वन फोर उसके बाद इंटू टेन की पावर माइनस दो बटे लगा दिया दस तो ये दस ये दस कैंसिल और टी बराबर इसमें पाँच चौक बीस का जीरो हासिल लगा दो पाँच एक कम पान दो सात समझिएगा हासिल लगाया एक भी नहीं तो पान यहाँ पंद्रह और दो संख्या बाद पॉइंट तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा दिया इंटू टेन की पावर माइनस दो लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहें तो इसको स्टैंडर्ड इस फॉर्म में बदलो या तो नीचे ले जाकर भाग दे दो जब बेटा इसको नीचे ले आएंगे तो पंद्रह दशमलव सेवन जीरो इसको लिख सकते हैं सौ भैया नीचे आके सौ हो जाएगा आपको पता है दस की पावर माइनस दो को लिख सकते हैं एक बटे सौ याद रखिएगा ये नोट रख दिया और टी से जब भाग देंगे सौ से तो ये दो संख्या और पहले आ जाएगा तो जीरो दसमलव वन फाइव सेवन ज़ीरो सेकेंड ये क्या बच्चों आंसर है आप इसे नोट कर लो ये बच्चों चौथा नंबर सवाल अब पढ़ते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल दो मीटर त्रिज्या आर की वैल्यू आपको दिया है दो मीटर त्रिज्या के व्रत पर दो किलोग्राम बेटा एम की वैल्यू दिया है दो किलोग्राम और क्या दिया है कि पिंड एक समान वेग से घुमाया जा रहा है तो पिंड दो सेकंड में सात चक्कर लगाता है बच्चों दो सेकंड में चार चक्कर लगा तो एन की वैल्यू हो गया दो सेकंड में सात चक्कर चक्कर प्रति सेकेंड दो से भाग दे दो तो हो जाएगा चक्कर प्रति सेकेंड बच्चों फिर समझिएगा जितने भी एन चक्कर हो उसमें समय का भाग दे दीजिए तो चक्कर पर सेकेंड एन की करेंट वैल्यू आ जाएगी उसके बाद कह रहा है अभिकेंद त्वरण और अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए बच्चों ए की वैल्यू पूछ रहा है और एफ की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि ये क्या है अभिकेंद्रण है अभिकेंद्रण ये क्या बेटा अभी केंद्र बल ये दो चीज़ें हमें फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या फार्मूला था सबसे पहले हम तोड़ का बताएंगे अभी केंद्र तोड़ फार्मूला है ए बराबर बी बटे आर ये होता है फार्मूला बेटा ए बराबर बी को लिख सकते हैं आर ओमेगा आपको बता है ना बिल्कुल वी बराबर होता है आर ओमेगा आर ओमेगा लिख सकते हैं वी को यहाँ बता दे रहे हैं वी बराबर होता है आर ओमेगा वैल्यू को पुट करिए चलिए इसको सॉल्व करते थोड़ा और ए बराबर आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बटे आर तो एक आर से एक आर कैंसिल तो ये बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू नहीं दिया बेटा ओमेगा बराबर फार्मूला होता है टू पाई एन वैल्यू पुट करो बेटा तो आर ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई एन का होल स्क्वायर तो ये बराबर हो जाएगा दो का स्क्वायर चार देखिए तो दो का स्क्वायर करेंगे चार पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एन का स्क्वायर एन स्क्वायर और आर को लिख दिया लास्ट में ये मेरा एक फार्मूला बन गया अब आइए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं ए बराबर फोर पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों बाईस बटे सात बाईस बटे सात रखेंगे तो स्क्वायर है तो दो बार रखेंगे ना बच्चा इंटू एन की वैल्यू कितनी है इन की वैल्यू सात बटे दो तो दो बार लिखेंगे सात बटे दो गुड़े सात बटे दो स्क्वायर है इन टू आर आर की वैल्यू कितनी है दो ठीक है आइए इसको सॉल्व करते हैं अब हम बच्चों तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो सात से सात कैंसिल सात से सात कैंसिल एक दो से एक दो कैंसिल अब दो एक कम दो दो दूनी चार तो मेरा क्या आया दो बचा देखिए ऊपर बाईस गुड़े बाईस करेंगे चार सौ चौरासी आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं बचा बेटा इसमें अगर हम गुड़ा कर दें किसके इसमें तो चार सौ चौरासी का तो क्या आ जाएगा ए बराबर आठ दो चौको आठ दोनों आठ अठारह अट्ठारह का दो अट्ठे सोलह दो अट्ठे सोलह का छः आशीन लगा एक दो चौको आठ एक नौ तो नौ सौ अड़सठ आ रहा क्या बेटा नौ सौ अड़सठ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या आ गया बच्चों ये हमारे पास आ गया हमारा वे त्वरण आ गया ना कौन सा तोड़ ये इसे हम लौड़ेंगे अभिकेंद्र त्वरण आइए निकालते हैं अभिकेंद्र बल क्या निकालेंगे अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अभिकेंद्र बल वैसे निकालेंगे एफ बराबर एम ऐसे न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ बराबर एम एम की वैल्यू कितनी है दो इंटू एक वैल्यू निकाला है नाइन सिक्स एट एफ आप पुट करेंगे इसका दो का गुणा करेंगे जैसे बेटा इसमें गुणा करेंगे ये आएगा उन्नीस छत्तीस न्यूटन क्या है बच्चों उन्नीस छत्तीस न्यूटन आप इसे भी नोट कर लो ये मेरा आ गया अभिकेंद्र बल पाँचवा नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों पढ़िए जरा बहुत ध्यान से पाँचवा नंबर कह रहा है एक कर्ण जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तिज्जा आर की वैल्यू दिया जीरो दशमलव टू फाइव मीटर की त्रिज्या दिया है और कह रहा है कि चार चक्कर प्रति सेकंड बेटा ये एन दिया है चार चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है और क्या कह रहा है इसमें कर्ण का कोड़ीय वेग तथा तो अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए बेटा कोड़ीय वेग ओमेगा हो होता है और क्या कह रहा है अभिकेंद्र त्वरण ए होता है बच्चों ठीक है अभी आपको एक बार बता दें ओमेगा होता है कोड़िए वेग ठीक है ये होता अभिकेन तो ठीक है तो हाँ ये हमें निकालना सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे जब आर और ओमेगा दिया हो तो हम आपको फार्मूला बताते हैं कोड़िए वेग का कोड़ी वेग का फार्मूला होगा बच्चों बी बराबर कोड़ी वेग है ना तो वेग तो आपको दिया नहीं है तो टू पाई एन कोड़ी वेग का बेटा एक काम करो ओमेगा बराबर होगा टू पाई एन ये होगा कोड़ी वेग का फार्मूला ठीक है यहाँ वैल्यू आप पुट करो चलिए आइए पुट करते हैं ओमेगा बराबर टू पाई पाई की वैल्यू क्या है थ्री दशमलव वन फोर और एन एन की वैल्यू है चार तो ओमेगा बराबर दो चौको आठ थ्री दशमलव वन फोर आठ चौक बत्तीस का दो हासिल लगा तीन आठ से आठ चौक बत्तीस का दो हासिल लगा तीन आठ एकम आठ तीन ग्यारह का एक हासिल लगा एक आठ तीन चौबीस एक, एक पच्चीस अब दो संख्याबाद पॉइंट लगा दिया यह आ गया ओमेगा क्या आ गया बच्चों ओमेगा आ गया रेडियन प्रति सेकेंड या तो आप पाई का माना अगर नहीं रखेंगे चार दुनी आठ या बेटा अगर पाई की वैल्यू ना रखें तो ओमेगा की वैल्यू यह आएगा देखो पाई है ये चादूनी आठ तो एट पाई रेडियन प्रति सेकेंड तो मेरा ये आंसर होता तो बच्चों इसमें आप आंसर को क्या करेंगे ये आंसर को नोट कर लेंगे यह मेरा आंसर ये भी है ठीक है चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा अभी क्या अभिकेंद्र चाहिए तो अभिकेंद्र का हम फार्मूला आप बताइए अभिकेंद्र का फार्मूला होता है बेटा ए बराबर ए बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा आइए यहाँ पर वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करते हैं बच्चों आप बताइए ए बराबर आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू सर ज़ीरो टू फाइव तो जीरो दसमलव टू फाइव ओमेगा ओमेगा का मान कितना है एट पाई तो आंसर पाई में निकाल दे रहे हैं एट पाई ओमेगा की वैल्यू है तो एट पाई का होल स्क्वायर तो बच्चों ए बराबर जीरो दशमलव टू फाइव आठ का स्क्वायर चौंसठ आठ का स्क्वायर चौंसठ और पाई स्क्वायर पॉइंट आएँगे दो जीरो बढ़ाएंगे समझिएगा अब पॉइंट पच्चीस एकम पचीस पच्चीस चौको सौ तो आया ए बराबर चौंसठ बटे चार पाई स्क्वायर तो ए बराबर आएगा चार एक कम चार दो इधर जाएगा चार छंग चौबीस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये मेरा आंसर आ जाएगा आप इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे सिक्स नंबर सवाल कह रहा है एक कण चौदह सेंटीमीटर तिज्जा एक कण चौदह सेंटीमीटर तिज्जा कह रहा तो ये दिया चौदह सेंटीमीटर आप इसे मीटर में बदलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए टेन की पावर माइनस टू से गुणा कर देते हैं ये बदल जाता है आप ये पॉइंट याद रखिएगा उसके बाद दो चक्कर प्रति सेकंड लगाता है इसका मतलब बेटा यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दिया है दो दिया है चक्कर प्रति सेकंड ठीक है लगाता है और कह रहा है कि रेखी वेग की गणना कीजिए बेटा रेखीय वेग होता है उमेगा ये हमें ज्ञात करना है ठीक है बच्चों आपको पता है यहाँ पर यह होता है लीनियर बिलास्टी लीनियर वेलोसिटी जिसे बोलते हैं रेखीय वेग तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है रेखीय वेग का इसका फार्मूला होता है वी बराबर आर ओमेगा अब हम यहाँ पर वैल्यू को करने जा रहे हैं पुट बच्चों आर ओमेगा तो ओमेगा तो आपको पता नहीं है तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो आर ओमेगा को सकते हैं टू पाई एन तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे आइए यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं वी इज़ इक्वल टू बच्चों आप बताइए यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू कितनी है फुट चौदह गुड़े दस की पावर माइनस दो उसके बाद इंटू है टू उसके बाद पाई पाई का मान कितना है थ्री दशमलव वन फोर इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं ठीक है आप बाएस बटे साथ भी पुट कर सकते थे चलिए कोई बात नहीं आसान होता बाजे साथ क्योंकि कट जाता ना सात दो नहीं चौदह तो एक काम करो ना पाई का मान क्या रख दो बाइस बटे साथ रख दो इसको हटा दो बाइस बाईस बटे सात ठीक है तो क्या आएगा टू पाइस बाईस बटे सात इन टू एन एन की वैल्यू कितनी है दो तो इससे क्या होगा बेटा आप देखिए आप बहुत ध्यान से तो सात कम सात सात दूनी चौदह यह आया अब आपका आंसर देखिए वी बराबर दो गुड़े दो गुड़े दो बाईस गुड़े दो, दो सबको किनारे कर दो गुड़े दो गुड़े पहले दो वाले किनारे कर लो इन फिर बाईस फिर दस की पावर माइनस दो अब बेटा क्या होगा इसके बाद दो दूनी चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह का छः हासिल लगा एक आठ दूनी सोलह का छः एक सत्रह इंटू टेन की पावर माइनस दो आएगा आएगा ना अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा आइए हम आपको बताते हैं वन सेवन सिक्स सौ से वन सौसे भाग सौ से बुढ़ा ये कर देना क्योंकि बेटा जब सौ से भाग दोगे एक दो दो संख्या में जब भाग दोगे तो वी का मान आएगा वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन की पावर बेटा इसको लिख सकते हैं दस की पावर दो और दो ये कट जाएगा जब ये इससे कट जाएगा तो मेरा बचेगा केवल कुछ नहीं जीरो तो इसको लिख सकते वी बराबर वन पॉइंट सेवन सिक्स मीटर पर सेकेंड ये बच्चे मेरा फाइनल आंसर है चलिए बच्चों सातवां नंबर सवाल पढ़ते हैं एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई मेरा ये लंबाई जो है इसे आर मान ले रहे हैं एल मानो या आर इज इक्वल तो रेडियस मान लो तीन सेंटीमीटर आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों या सेंटीमीटर में आंसर निकाल दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं नोक का कोड़िए और रेखी चाल ज्ञात कीजिए बच्चों यहाँ पर ओमेगा हमें ज्ञात करना है और हमें भी ज्ञात करना दो चीज़ें हमें यहाँ फाइन करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे हम आपको कोड़ी वेग का फार्मूला बताने जा रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा कोड़ी वेग का फार्मूला होता है ओमेगा बराबर बताओ बच्चों टू पाई टी लेकिन यहाँ पर टी की वैल्यू की बात हो पता नहीं है तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने सेकंड में लगाती है भाई ये सेकेंड वाली सुई एक चक्का तो सात सेकेंड में ही लगाएगी ये आपको याद रखना है किसके लिए सेकेंड वाली सुई के लिए सेकेंड वाली सुई के लिए याद कर लीजिए हाँ बच्चों अब यहाँ पर आइए मानकॉम पुट करते हो मेगा बराबर टू पाई साठ टी की वैल्यू है साठ बच्चों जब इसको हम काटना चाहें काट देंगे ओमेगा बराबर दो एक कम दो ती आई छः तो पाई बटे तीस क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड आ गया हमारा आंसर बच्चों इसके बाद हमें रेखी वेग चाहिए क्या सर रेखीय वेग भी निकालना है हाँ रेखीय वेग इसका फार्मूला होता है सर वी बराबर आर ओमेगा लगा दे लगा दो बिचुआ बी बराबर आर ओमेगा अब यहाँ पर वैल्यू को करेंगे हम पुट फिर सवाल को ले जाएंगे अंजाम तक v बराबर r की वैल्यू दिया सेंटीमीटर में मीटर में बदल दे सर हाँ बेटा बिना मीटर में बदले कल्याण नहीं होने वाला है ठीक बच्चों मीटर बदल गया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए दस की पावर माइनस दो का गुणा करते हैं आर की वैल्यू कितनी है तीन गुणे दस की पावर माइनस दो ओमेगा की वैल्यू निकाला है सर अभी ये देखिए पाई बटे तीन तीस पाई बटे तीस बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आइए देखते हैं तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो v बराबर तीन एकम एक तीन धाम तीस तीन धाम तीन एकम एक तीन धाम तीस देखिए समझिएगा तीन एकम एक तीन धाम दस बचा है यहाँ पर अब ये हो बचा एक बटे दस ये पावर नीचे आएगा एक बटे दस की पावर दो पाई हो जाएगा तो v बराबर इसको लिख सकते एक बटे दस की पावर तीन पाई ऊपर लिख दे रहे हैं भाई पाई कम पाई तीन आ गया ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड अगर इसमें सौ का गुणा कर दें तो मेरा आंसर ये आ जाएगा सौ का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर जब सौ से गुणा करेंगे सौ से तीन जीरो नीचे ऊपर दो जीरो कट जाएगा तो पाई बटे दस आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बच्चों यहाँ पर आपका दोनों आंसर ठीक है यह है मीटर प्रति सेकेंड में और ये है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में नोट कर लो बच्चों आठवां नंबर सवाल देखते हैं आठवां नंबर सवाल कह रहा है घड़ी की सुई दस सेंटीमीटर लंबी है अच्छा अच्छा दस सेंटीमीटर लंबी बड़ी घड़ी है इसका मतलब है हाँ तो इसको रेडियस मान लो घूमेगी ना दस सेंटीमीटर ठीक है आंसर सेंटीमीटर में निकालेंगे औसत कोड़ी वेग और इसकी रेखी वेग ज्ञात करना है तो औसत कोड़ीय वेग अगर कहे तो बाल लगा देना इसका मतलब होता कोड़ी है औसत कोड़ीय वेग और वी के ऊपर बाल लगाएंगे तो औसत देखिए ये होता है फार्मूला और हम आपको एक बार बता दें कुछ फार्मूले हम आपको और बताने जा रहे हैं जिसे देखिए औसत कोड़िए वेग ओमेगा बार बराबर क्या होगा टू पाई बाई टी होगा लेकिन T बराबर सेकंड वाली सुई की बात कर रहा है तो एक चक्कर लगाएगी कितने सेकंड में साठ सेकंड में ये याद कर लीजिए मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने सेकंड में सर में नहीं हम ये जानते हैं कि मिनट में कि साठ मिनट में मिनट वाली एक चक्कर लगाए लेकिन हम लोग सेकंड में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे छत्तीस सौ सेकेंड आएगा तो जब अब मिनट की सुई कहेगा तो छत्तीस सौ लिखते बच्चों ठीक है लेकिन सेकंड की सुई कह रहा है तो सेकंड वाली सुई साठ सेकंड में एक चक्कर लगाती है तो बच्चों आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं बताइएगा ओमेगा बार बराबर टू पाई बटे टी की वैल्यू कितनी है साठ तो अब आएगा ओमेगा बार बराबर जब इसको काटेंगे तो इसको जब काट देंगे तो आएगा पाई बटे तीस रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोड़िय वेग का मात्रक यूनिट चलो उसके बाद बच्चों अब हम लगाने जा रहे हैं औसत रेखीय वेग औसत रेखीय वेग का फार्मूला v बराबर होता है आर ओमेगा मेगा बार क्यों लगाया सर इसका मतलब होता है औसत बी बार बराबर आर की वैल्यू दस सेंटीमीटर मीटर में नहीं बदलेंगे सेंटीमीटर में ही आंसर को लाएंगे ओमेगा की वैल्यू बेटा ओमेगा की वैल्यू पाई बटे तीस है कट गया तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर आ गया क्या क्या सर पाई बटे तीन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये है हमारा आंसर नोट कर लो चलिए बच्चों अब हम आगे सवाल आपको दे रहे हैं नाइन नंबर ये सवाल कह रहा है किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई की लंबाई ओ हो हो तिज्जिया मान ले रहे सुई की लंबाई कितनी है जीरो दस जीरो सिक्स मीटर अब बता बेटा घंटे वाली सुई एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगी बारह घंटे में मिनट पूछे साठ साठ से गुड़ा कर दो सेकंड पूछे फिर साठ से गुड़ा कर दो तो बेटा घंटे वाली सुई एक चक्कर लगा लगाती है बारह घंटे में और उसको अगर करें मिनट में तो साठ से गुड़ा कर दो सेकंड में बदले तो साठ से और गुड़ा कर दो तो हो जाएगा बारह गुड़े सात गुड़े साठ सेकेंड में वो चक्कर लगाएगी घंटे वाली सुई कौन सी बेटा घंटे वाली सुई ठीक है ये याद रखिएगा सेकंड में बदल दिया घंटे को हमने सेकंड में बदल दिया ठीक है और क्या आगे है इसका रेखीय वेग क्या होगा उमीगा पूछ रहा है बच्चों बार बार नहीं लगेगा इसमें उमेगा रेखीय वेग केवल रेखीय वेग बार मतलब होता है औसत रेखीय वेग ठीक है चलिए बच्चों फार्मूला बताइए रेखीय वेग का फार्मूला हम बताएंगे क्या होता है बच्चों बी बराबर आर ओमेगा अच्छा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे सर क्या होता है बेटा सर हम जानते हैं टू पाई एन होता है एन का मतलब क्या है बेटा एन की एक बटे टी भी तो लिख सकते हैं हाँ एक टी लिख दो तो मेरा फार्मूला जो ये आ गया है यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं आर की वैल्यू जीरो जीरो सिक्स इंटू टू पाई का मान सर पाई का मान आप रखवाओगे मत रखवाओ सर सवाल कठिन हो जाएगा क्या हुआ बच्चों रखो पाई का मान चलो सर रखवा के सवाल को कठिन करा रहे हो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हमको नहीं आता आप कोई वीडियो बनाओ जिसमें कैलकुलेशन सिखाया जाता है चलो बना देंगे बच्चों टी की वैल्यू कितनी है सर बारह गुड़े साठ गुड़े साठ ओ नो अब हम क्या करेंगे सर पॉइंट को हटाएं सर जीरो को बढ़ाएं सर पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो बढ़ाएंगे भैया एक के बाद बढ़ाना है पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा इसको हटाएंगे फिर दो जीरो बढ़ाएंगे अब हम अब हम दो से काटेंगे दो एक कन दो दई छ बारह हैं और छः से छः भी काट दिया देख जाओ ऊपर बचा तीन सौ चौदह बटे छत्तीस छत्तीस बचा छः छंग छत्तीस एक दो तीन चार पाँच छः जीरो ना बेटा तो दस की पावर हम सिक्स लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना अब बताओ बेटा तीन सौ चौदह बटे छत्तीस है अब इसको दस की पावर ऊपर जाके माइनस सिक्स लिख सकते हैं बोलो बच्चों अब इसका हम भाग दें सर तब क्या आएगा किसका आप भाग देना चाहते हैं सर चौदह में छत्तीस अच्छा हम बता दे रहे हैं वी बराबर देखो बच्चों यहाँ भाग दे हम यहाँ लिख दे रहे हैं जब आप इसमें भाग देंगे तीन सौ चौदह में छत्तीस का भाग देंगे तो आएगा एट दशमलव सेवन अब इंटू टेन की पावर सिक्स माइनस पहले से तो मीटर पर सेकेंड में तो बच्चों आप इसे नोट कर लो ये आपका आंसर आ चुका है ठीक बच्चों दसवां नंबर सवाल क्या कह रहा है सर जी आइए बताते हैं दसवा नंबर सवाल कह रहा है एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाई सर घंटा ले लो घंटा अब एक तरफ लिखेंगे सेकंड ले लो सेकंड मिनट मिनट दे रहा है सवाल देखो घंटा और मिनट कह रहा है बेटा तो इसमें जो आर की देखो घंटे वाली सुई की लंबाई मान लिया आर वन है क्या है रेडियस मानेंगे गोल गोल घूमती है सेकेंड में बोलो बेटा अब इसकी मिनट वाली सुई की लंबाई हमने मान लिया सिक्स सेंटीमीटर है और उसके बाद मान लिया जो घंटे वाली सुई है उसको टी वन और घंटे वाली सुई कितने सेकंड में चक्कर लगाएगी सर बारह गुड़े साठ गुड़े साठ सेकंड में चक्कर लगाएगी और मिनट वाली सर टी टू साठ गुड़े साठ सेकेंड में चक्कर लगाएगी ठीक है ठीक है क्योंकि साठ मिनट में कितने सेकंड होते हैं सात से गुड़ा कर दो आ जाएगा तो इनके रेखीय वेगों का अनुपात पूछ रहा है तो ये वी वन मान ले रहे हैं इसका इसका रेखीय वेग निकालते हैं अब इसका रेखीय वेग वी टू मान लेते हैं निकालेंगे दोनों का रेशियो बता देंगे तो वी वन अनुपात वी टू पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन मार्क पहले वी वन निकालते हैं फिर वी टू फिर उनका अनुपात हम निकाल देंगे या तो इनको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं चलिए बच्चों सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं अगर हम आपको फार्मूला बताएं, तो क्या बताएं? आइए देखते हैं रेखीय वेग का फार्मूला क्या बताएं? हम सर जो होता है वही बताएंगे। अच्छा वी बराबर टू पाई बटे टी ये होता है फार्मूला सर रेखीय वेग है तो आर कहाँ गया आर का कौन मतलब नहीं है है बेटा बता रहे हैं ये रेखी वेग का नहीं उमेगा का होता है सर गलत ये है रेख उमेगा का रेखी वेग अरे सर गलती हो गई वाह चलो बेटा ये उमेगा बराबर फार्मूला होता है तो उसको नोट करो रेखी वेग का फार्मूला क्या होता है बी बराबर आर उमेगा क्या होता बच्चे वी बराबर रेखी वेग का फार्मूला बच्चे रेखी वेग का फार्मूला होता है बी बराबर आर ओमेगा उमेगा मान यहाँ पुट करो वी बराबर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा क्या होता है टा कोड़ी ये वेग क्या होता है कोड़ी वेग का फार्मूला लिख दिया है आर ओमेगा का मान टू पाई टी या, या? आइए दो केस लगाते हैं कैसा केस सर हाँ पहले लिखेंगे घंटे वाले सुई के लिए सुई के लिए के लिए चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे यहाँ वन वन पुट करेंगे वी वन बराबर आर वन इंटू टू पाई बटे टी वन समीकरण एक नाम देंगे अब हम लिखने जा रहे हैं मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई के लिए तो यहाँ क्या होगा यहाँ होगा क्या सर V2 टू बराबर आर टू टू पाई टी वन समीकरण दो अब बच्चों यहाँ पर समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देंगे तो आएगा V1 वन बटे वी टू आर वन बटे आर टू अब टू पाई से टू पाई कैंसल टू पाई से टू पाई कैंसल तो ये T1 वन एक मिनट सर यहाँ T2 टू होगा हाँ टी टू, टू कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर T1 हो जाएगा नीचे क्योंकि बटे में है ना बटे के बटे वाला सबसे ऊपर जाता है बच्चों यहाँ पर बैली को पुट करने चल रहे हैं बताइए हम्म <laughs> R1 की वैल्यू तीन T2 की वैल्यू साठ गुड़े साठ आर टू की वैल्यू सिक्स टी टी वन का मान बारह गुड़े साठ गुड़े साठ अब हम यहाँ पर काटा पीटी वाला खेल शुरू करेंगे उसके बाद कट गया सर तीन एक कम तीन तीन दूनी छः तो वी वन बटे वी टू क्या आया बच्चों बारह दूनी चौबीस एक बटे चौबीस आया बच्चों इसको हम अनुपात में लिखना चाहते हैं तो वी वन अनुपात वी टू इज इक्वल टू वन अनुपात टू फोर ये आ गया मेरा आंसर नोट कर लो बच्चों वन नंबर सवाल पढ़ते हैं बच्चों चलिए पढ़िए क्या कह रहा सवाल में कह रहा है एक घड़ी की सेकेंडों वाली सुई दो सेंटीमीटर लंबी है गणना करो सुई की नोक की चाल अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो बेटा आर मान ले रहे हैं दो सेंटीमीटर ठीक है और पहले नंबर में हमें याद करना है सेकंड की चाल होती होती है वी चाल क्या होती है बच्चों वी और दूसरे में वेग याद करना है जब समय दिया है सेकंड में भी आपको इसमें क्या याद करना है वेग दिया है जब आपको समय दिया ज़ीरो से पंद्रह सेकेंड तो एक काम करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा नोक का वेग भी वही होगा ना तीसरे नंबर में जो पूछ रहा है वो भी निकालते हैं पहले दो देखते हैं और तो तीसरे नंबर में वेग में परिवर्तन पूछ रहा है नोक का नोक का वेग भी वही होगा जो सुई वही नोक उसके बाद बेटा तीसरे नंबर में डेल्टा भी पूछ रहा है तीन वैल्यू को इसने पूछा है आइए निकालते हैं और क्या कह रहा है चौथा नंबर भी पूछ लिया लो औसत तो अण ये बार भी पूछा है रहम नहीं किया इसने चलिए तो बच्चों आपको हम बता दें चलिए बच्चों यहाँ हम बता दें मान लो ये सेंटर है ये पंद्रह सेकंड मान लिया पंद्रह सेकंड मान लो ठीक है अब ये क्या है ये पॉइंट एक है ये ज़ीरो सेकंड है ज़ीरो सेकंड से पंद्रह सेकंड है जीरो सेकंड में इसका वेग मान लिया वी वन है समझिएगा और इस इस पर मान लिया इसका वेग है वी टू ठीक है ये दिया दो सेंटीमीटर सुई की लंबाई दिया है दो सेंटीमीटर सुई की लंबाई है ये नाइन्टी के एंगल है ठीक बच्चों ना अब ये बताइए बहुत ध्यान से कि सबसे पहले नंबर में जो हमें हल करना है वो तो हम हल करके दिखाएंगे क्या है घड़ी के सेकंड वाली सुई की चाल ना सेकंड वाली सुई के नोख नोख मतलब सर नोख की चाल फॉर्मूला होता है वी बराबर आर ओमेगा ना ओमेगा को लिख सकते हैं आर टू पाई टी बताना तो मेरा आएगा आंसर वी बराबर बेटा आर की वैल्यू कितनी है दो सेकेंड और टू है पाई मान रखना पड़ेगा रख दें सर थ्री पॉइंट वन फोर उसके बाद टी की वैल्यू साठ सेकेंड तो वी बराबर दो दुनी चार आएगा बेटा कितना आएगा चार आएगा अब बेटा इनका गुला करके जब साठ से भाग देंगे दो दुनी चार चार चौक सोलह का छः हासिल लगा एक चार एक कम चार एक पाँच चार तीन तिहाई बारह और दो संख्या बाद पॉइंट लगा दिया बटे साठ जब हम भाग देंगे साठ का तो आएगा जीरो दशमलव टू वन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तो बच्चों ये हमारा जो है वेग आ गया उसके बाद दूसरे नंबर में भी है सुई के नोक की चाल बेटा सुई के नोक की चाल भी यही होगी जीरो दशमलव टू वन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इसमें कोई शंका की बात नहीं है सुई जो उसकी चाल वही भी होगी और उसके बाद बेटा तीसरे नंबर में क्या पूछ रहा है तो बच्चों तो आप एक काम करिए तीसरे नंबर में जो पूछ रहा है वो डेल्टा भी पूछ रहा है तो हम फार्मूला बता दें आपको डेल्टा भी का डेल्टा वी बराबर वी वन स्क्वायर प्लस बेटा वी वन स्क्वायर ये देखो इनके डायरेक्शन अपोजिट है अगर इसका एक वेक्टर बनाया हम बच्चों एक हम आपको वेक्टर बताने जा रहे हैं मान लीजिए एक सो ये है ठीक है जिस और एक ये है तो ये वाला डायरेक्शन मान ली इधर है तो ये हम थीटा मान ले रहे हैं ठीक बच्चों है ना तो ये वी टू मान लिया इसकी चाल क्या वी टू बाई जीरो दसमलव टू वन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड मान लिया ठीक है और ये मान लिया वी वन है अपोजिट डायरेक्शन इसकी तो माइनस है ना तो माइनस का हम क्या मान ले रहे हैं वही जीरो पॉइंट टू वन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड अब ये जो है ये डेल्टा वी है अब ये वेक्टर क्वांटिटी में है सब वेक्टर में तो ये हमें निकालना है तो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे आएगा प्लस ही क्यों बेटा स्क्वायर करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो हम क्या करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा डेल्टा वी बराबर बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों कि वी वन ज़ीरो दशमलव टू वन का स्क्वायर जीरो दसमलव टू वन का स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या सॉल्व करेंगे बच्चों आइए बताते हैं तो डेल्टा वी बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा जीरो रूट के अंदर ज़ीरो दशमलव जीरो, जीरो फ़ोर फोर वन प्लस जीरो दशमलव जीरो फ़ोर फोर वन अब इनको ऐड करेंगे तो रूट के अंदर आएगा क्या ज़ीरो दशमलव जीरो एट एट टू अब इसका वर्गमूल निकाल बेटा इसको अप्रॉक्सिमली लिख सकते हैं डेल्टा बी बराबर जीरो दशमलव जीरो दशमलव जीरो नाइन अप्रॉक्सी लिख सकते हैं ना एट एट टू को अप्रोक्सी लगभग लगभग नाइन लिख सकते हैं आखिरी एक एक देखो यहाँ एक बढ़ा देंगे तो ये रुक जाएगा ये अब छोड़ना पड़ेगा अगर एक यहाँ बढ़ा दें ठीक है अब इसको लिख सकते हैं क्या बताइए बच्चों इस चीज़ को हम लिख सकते हैं तीन ज़ीरो दशमलव थ्री वर्गमूल होता ना इसका जीरो दशमलव थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड ये मेरा डेल्टा वी आ गया तीसरा नंबर भी आ गया और चौथे नंबर में क्या निकालना बच्चों आइए बताते हैं चौथे नंबर में निकालना औसत त्वरण बेटा औसत त्वरण का फार्मूला था वेग परिवर्तन बड़े औसत त्वर्ण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय समय क्या है टी आप बताइए बच्चों वेग परिवर्तन निकाला है जीरो दसमलव थ्री समय मेरा था पंद्रह सेकेंड तो पंद्रह से भाग दे दिया तो क्या आएगा बच्चों जीरो दसमलव जीरो टू पंद्रह कम पंद्रह सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है नोट कर लो बच्चों बारवा नंबर सवाल पढ़ते हैं एक किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को एम की वैल्यू दिया है एक किलोग्राम को एक मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांध कर इतने चक्कर बटा ये घुमाते हैं तो डोरी की जो लंबाई हो तेजा मान लो एक मीटर बांध कर एन की वैल्यू दिया आपको दस बटे पाई चक्कर प्रति सेकंड तो घुमाने में डोरी का तनाव याद करो टी बराबर क्वेश्चन मार्क तनाव उसके बाद फार्मूला होता है तनाव याद करना बच्चों तनाव वही फ़ोर्स होता है बेटा याद रखिएगा तनाव जो है इज़ इक्वल टू फोर्स इसी को हम फोर्स भी लिख सकते हैं याद रखिएगा तनाव तो बच्चों अभिकेंद्र बल का फार्मूला बताइए आप घुमाएंगे ना अभिकेंद्र बल एफ बराबर होता है बताइए फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर ये होता है फार्मूला अभिकेंद्र बल का ये आप याद रखिएगा या तो एम वी स्क्वा बटे आर तो v का मान पुट करो फिर ना मोएगा का मान पुट करो तो ये आएगा आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं ठीक बच्चों तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे f बराबर एम की फोर पाई का मान क्या रखा जाए बच्चों पाई का मान दिया है कि नहीं रखो पाई कट जाएगा अभी पाई स्क्वायर इंटू एन एन की वैल्यू कितनी है दस इसका स्क्वायर करो तो दस का स्क्वायर सौ पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और एम एम की वैल्यू कितनी है एक आर आर की वैल्यू है एक तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल तो है बराबर चार दाम चार का बूढ़ा सौ करेंगे चार सौ न्यूटन आएगा क्या बच्चों चार सौ न्यूटन तो आ गया नोट कर लो बच्चों अब हम आपको बता दीजिए फार्मूला आया कैसे ये आइए बताते हैं आपने अब बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर पढ़ा है पढ़ा है ना हाँ तो वी का मान ये पुट करो आर ओमेगा पुट कर दें तो आएगा एम वी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर आएगा एक आर से एक आर कैंसिल बच्चों आप ओमेगा की जगह ये पुट कर दो अब टू पाई एन ये वाली वैल्यू पुट करो ओमेगा की जगह पर तो अब बराबर आएगा एम आर ओमेगा की जगह रखेंगे तो दो का हो जाएगा चार भाई दो का स्क्वायर चार और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एन का एन स्क्वायर देखिए बेटा वही फार्मूला है फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर को किनारे कर दिया तो बात वही हुआ ना ये फार्मूला ही ऐसे आया है आप नोट कर लीजिएगा चलिए बच्चों तेरह नंबर सवाल को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया है दो गुड़े दस की पावर माइनस टू किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण एक मीटर त्रिज्या के व्रत की प्रधि पर चार मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चल रहा है बच्चों यहाँ पर आपको एम की वैल्यू दिया है कितना दो गुड़े दस की पावर माइनस दो किलोग्राम ठीक है और उसके बाद तिजा दिया ना एक मीटर की तिजा आर की वैल्यू दिया वन मीटर और आपको क्या दिया है प्रधि चार मीटर पर एक चार से वी की वैल्यू दिया है चार मीटर प्रति सेकेंड आपको दिया है ना तो कह रहा है सदिश आर एक खींच कर कर्ण ए से बी तक जाने में बेग में परिवर्तन ज्ञात करना है पहले नंबर में आपको ज्ञात करना है वी वी माइनस वी ए बच्चों और सेकंड नंबर में आपको ज्ञात करना अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन ये ज्ञात करना है ठीक बच्चों ये हम ज्ञात करेंगे आइए उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा आपके स्क्रीन पर कुछ डायग्राम आप उसको ध्यान दें ठीक है तो बच्चों आपको हम बात बता दें सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा वी का परिमाण निकालेंगे आपकी स्क्रीन पर डायग्राम है देखिए जो डेल्टा वी का मॉड निकालते हैं वो निकलेगा वी वी माइनस वी ए ये निकलेगा ठीक बच्चों यहाँ पर क्या है समझिएगा इस फार्मूले से अगर हम इसका परिमाण निकालें वेग का मॉड वेग का परिमाण तो आप कैसे निकालेंगे डेल्टा वी बराबर रूट के अंदर ठीक है दिया है इसका परिमाण देखो वर्थ की पृद्धि पर जो भी संख्या रेखा है चालीस मीटर पर सेकंड दिया है वो दोनों के लिए होगा तो वी वी स्क्वायर प्लस एक ही डायरेक्शन माइनस है में देख लीजिए तो बेटा बी की वैल्यू दिया कितना यही तुम्हारा ए है यही तुम्हारा बी है ये दोनों का काम करेगा ए का भी बी का भी तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा चार का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा सोलह प्लस सोलह तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा बत्तीस अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो बत्तीस का वर्गमूल होता है फाइव दशमलव सेवन मीटर पर सेकेंड ये आ गया आंसर ठीक है ना बच्चों और क्या है अब हम यहाँ पर निकालेंगे अभी केन बल एफ का परिमाण पर निकालो एफ की वैल्यू निकालो एफ मॉडिया एम वी स्क्वायर बटे आर तो बेटा एम की वैल्यू कितना दिया है दो गुड़े दस की पावर माइनस दो वी का मान वी का मान चार दिया है तो चार का स्क्वायर आर की वैल्यू दी है वन तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों चार का स्क्वायर सोलह दूनी बत्तीस तो मेरा आया बत्तीस गुड़े दस की पावर माइनस दो न्यूटन ही आ गया अब बेटा इसका हमें अंतर भी तो निकालना है सेकेंड नंबर में ये सेकेंड नंबर का था बेटा ये फर्स्ट नंबर का था क्या निकालना है तो जो डेल्टा एफ होता है वेक्टर में उसे लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ़ ए अब इसी का मॉड निकालना है डेल्टा एफ को लिख सकते हैं वेक्टर का या वेक्टर हटाएंगे जब तो रूट के अंदर आएगा ये स्क्वायर एफ वी स्क्वायर प्लस एफ़ ए स्क्वायर अब ये माइनस डायरेक्शन में है ठीक है अब वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं एफ़ की वैल्यू देखो ये है बत्तीस इसको रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे बत्तीस का स्क्वायर मतलब इसका तीन गुड़े दो टेन की पावर माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस अब ये एफ माइनस का तो माइनस का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जब बत्तीस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक और एक दो कर दें रूट के अंदर दो गुड़े बत्तीस इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर दिया प्लस हो गया ऐसे लिख सकते हैं अब आप यहाँ देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा डेल्टा एफ़ बराबर बत्तीस का स्क्वायर होता है एक चौ एक हज़ार चौबीस और दस की पावर चार हो जाएगा माइनस में दो का गुड़ा हो जाएगा दो दूनी चार ठीक है अब इस पे लगेगा रूट अब बेटा रूट के बाहर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा फिर समझिएगा दो का वर्गमूल होता है वन दस में फोर वन फोर और इसका हो जाएगा बत्तीस अब इसका हो जाएगा दस की पावर माइनस दो ठीक है ठीक बेटा अब जब इसका गुड़ा करेंगे इसमें तो लगभग लगभग फोर्टी फाइव आएगा कितना आएगा बेटा जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग पैंतालीस आ जाएगा इन टू टेन के बाद मानस टू न्यूटन आ रहा है ये मेरा फाइनल आंसर है नोट कर लो चलिए चौदह चो, नंबर सवाल देखते हैं बिजली के पंखे के बिलरों की लंबाई मतलब देखो पंखा जो है वो घूमेगा तो तिजिया जैसा बनाएगा तो इसी को लंबाई गुण त्रिज्या लेट कर ले रहे हैं ठीक है रेडियस कि जीरो वन पंद्रह मीटर है यदि पंखा एक मिनट में बारह सौ चक्कर लगाता है तो बेटा एन निकाल लो आप बारह सौ चक्कर प्रति मिनट है तो सेकंड में बदलो एक मिनट में सात सेकंड होता है तो हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड ठीक है तो इस बलेट की नोक के कितना तो अभिकेंद्र बेटा एक याद करना है और आपको पाई का मान दिया है कि बाईस बटे सात रखो आसान हो जाएगा सवाल ठीक है तो आप अभिकेंद्र तोड़ का फार्मूला बताइए अभिकेंद्र तोड़ का क्या जब आपको एन दिया हो ए दिया हो आर दिया हो तो बेटा ए बराबर होता है फार्मूला आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा आर ओमेगा स्क्वायर पढ़ा होगा ना ओमेगा के वैल्यू पुट कर दो बेटा ओमेगा बराबर क्या होता है टू पाई एन पुट करो यहाँ पर तो ये बराबर हो जाएगा आर ओमेगा की वैल्यू जब पुट करेंगे टू पाई एन का होल स्क्वायर तो ये बराबर हो जाएगा आर दो का स्क्वायर चार पाई स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये बराबर हो जाएगा थोड़ा मान रखो आर का मान जीरो वन पाई फोर पाइकमान बाज बटे सात दो बार लिखेंगे बाएस बटे सात स्क्वायर है आर की वैल्यू जीरो जीरो काट दिया एन की वैल्यू अब इसको काटें अगर दो छः कम छः नहीं बारह तो बीस आएगा बच्चों एन की वैल्यू देखो बीस है तो दो बार लिख दें देखो छः कम छः दूनी बारह तो दो जीरो बीस ही तो बचा एन इज इक्वल टू तो बीस आएगा न चक्कर पर सेकेंड में अब इसको सॉल्व करेंगे हम पॉइंट हटाएँगे दो जीरो बढ़ाएंगे एक जीरो दो ज़ीरो से दो जीरो काट के हटाएंगे ठीक बच्चों और अब हम आपको बताना चाहते हैं ए बराबर पंद्रह चौको साठ बात गुड़े भाई चार सौ चौरासी दो दूनी चार जब बेटा आप इन तीनों का गुड़ा करेंगे तो बटे में आएगा उनचास उनचास और जब सबका गुड़ा करेंगे तो आएगा वन वन सिक्स वन साठ ये आएगा सबका गुड़ा करने तो उनचास से भाग देंगे बच्चों जब आप इसमें भाग देंगे उनचास का तो आपका आंसर आएगा टू थ्री सेवन जीरो पॉइंट सिक्स मीटर प्रति सेकेंड तो बच्चों आपका ये आंसर आ चुका आप इसे नोट कर लो आइए बच्चों पंद्रह नंबर सवाल देखते हैं हम पंद्रह नंबर सवाल क्या कह रहा है पृथ्वी के एक रेखा के किसी बिंदु पर अभिक्रोण का मान ज्ञात कीजिए चलिए ए की वैल्यू का मान ज्ञात करना है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या को आर ई से भी लिखते, है। यार से लिखते हैं याद रखिएगा तो हम इसमोला से लिख दे रहे हैं सिक्स दशमलव फोर इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर प्रति मीटर दिया है तो वह एक दिन में अपनी अक्ष को प्रता पूरा चक्कर लगाता है एक दिन में अच्छा चक्कर लगाता है तो एक दिन मतलब चौबीस घंटे के बराबर होता है तो एक दिन की बात कर रहा है ना चौबीस घंटे ना बेटा एक दिन की बात कर रहा एक दिन तो बच्चों इसी को और सेकंड में बदलते हैं चौबीस गुड़े साठ गुड़े साठ ले बदल गया सेकंड में नहीं तो क्या था सवाल में कुछ नहीं था तो जब इन सबका घुड़ा करेंगे तो आएगा क्या एट सिक्स फोर ज़ीरो ज़ीरो सेकेंड करके देख लेना बच्चों ये आएगा ठीक है चौबीस घंटे में कितने सेकंड होते इतने इसका गुड़ा आएगा ये तो बच्चों आइए हम आपको अभिकेंद्र तोड़ का फार्मूला बताते हैं अभिकेंद्र तोड़ फार्मूला क्या होता है वैसे बच्चों ए बराबर होता है सर हाँ बोलो ए बराबर सर बोले हाँ हाँ बोलो बेटा न, किस में बताएं सर ओमेगा रेडियस में बताते हैं चलो बेटा ए बराबर फार्मूला होता है बहुत ध्यान से देखना आर ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर ये फार्मूला होता है अब ओमेगा को लिख सकते हैं क्या टू पाई वाई टी ये लिख सकते हैं मान रखो ए बराबर आर ओमेगा को लिखेंगे तो फोर पाई स्क्वायर बटे टी स्क्वायर यह आएगा अरे सर आर की वैल्यू सिक्स दशमलव फोर इंटू टेन की पावर सिक्स आर की वैल्यू फोर पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा आइए रखते हैं थ्री दशमलव वन फोर थ्री दशमलव वन फोर पाई की वैल्यू रख दिया और टी की वैल्यू कितनी है ये है एट सिक्स फोर जीरो जीरो एट सिक्स फ़ोर जीरो जीरो बहुत बड़ा सवाल हो गया सर जी हाँ बेटा क्या हुआ करना तो है ही है तो बच्चों दो जीरो दो ज़ीरो कितने जीरो चार जीरो पॉइंट आया दो ज़ीरो और आया चार दो छः जीरो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पाँच जीरो छः जीरो छः जीरो, जीरो कैंसिल देखो ऊपर छः जीरो है ना अब बताओ क्या बचा ए बराबर सिक्स दशमलव फोर बचा चार बचा ये पॉइंट हट ये नहीं हटाया पॉइंट अभी ये नहीं हटाया था थ्री दसमलव वन फोर बचा तीन सौ चौदह बचा अनिटी आठ सौ चौंसठ इंटू आठ सौ चौंसठ ये बचा तो बच्चों अगर इनको हम सॉल्व करें आप समझिएगा ये पॉइंट हटाएँगे फिर दो जीरो बढ़ाएँगे और ये पॉइंट आएंगे फिर एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा या तो काटो बेटा इनको काट के बहुत छोटा कर लो ना तब जब सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा गुड़ा भाग करोगे जब का इनका गुड़ा इनका भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा जीरो दस जीरो थ्री फोर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आएगा आपका आंसर ठीक बच्चों नोट कर लो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे चलिए धन्यवाद